अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बख्त सेफ सिटी टीवी के साथ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं टेली मेडिसिन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में। टेली मेडिसिन एक ऐसा अदारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बड़ा एक अहसन इकदाम है, जिसमें ना सिर्फ कोरोना से रिलेटेड लोगों को गाइड किया जा रहा है, बल्कि दूसरे जो मर्ज़ हैं उनके बारे में भी लोगों को ओवर द कम्युनिकेशन मीन्स बताया जा रहा है। इसमें ना सिर्फ स्काइप यूज़ किया जा रहा है, बल्कि वॉइस कॉल भी यूज़ की जा रही है। आइए जानते हैं कि टेली मेडिसिन किस तरह काम करती है। आइए जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल साहब, जो तमगा इम्तियाज़ जिन्हें मिल चुका है। ये जो हमारे पास टेली मेडिसिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है कोलैबोरेशन से, इसका ये जो इनिशिएटिव है, इसके पीछे क्या आइडिया है और इसका वर्क फ्लो क्या है, ये इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। देखें जी, ये जो है ना टेली मेडिसिन का कंसेप्ट जो है, ये तो पूरी दुनिया में, मैं लास्ट ईयर जब इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेटर फोरम जो कैनेडा में, उसमें 25 कंट्रीज़ थी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, वहाँ उन्होंने बात की ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंड यूज़ ऑफ बिग डाटा की, और साथ उन्होंने कहा कि एवरी यूनिवर्सिटी शुड हैव द डिपार्टमेंट ऑफ टेली मेडिसिन। और यहाँ पे आज से तकरीबन एक माह पहले ये इनिशिएटिव है गवर्नर पंजाब साहब का, उन्होंने तमाम वाइस चांसलर को बुलाया और उन्होंने कहा कि जी आई विश्ड के तमाम यूनिवर्सिटीज़ टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करें, और फिर हमारी मिनिस्टर साहिबा और फिर गवर्नमेंट के जितने हमारे सेक्रेटरीज, उन तमाम की ये विश थी कि जितना हमारे आउटडोर में पेशेंट का रश है, लॉकडाउन की कैफियत में हम उसको कैसे कैटर करेंगे। तो इन्हीं जो डायरेक्शन है, इनके तहत किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया एंड वी इस्टेब्लिश द टेली आउटडोर। अब लॉकडाउन के बाद आउटडोर में तो मरीज़ नहीं जा रहे, हमारा आउटडोर में तकरीबन 9000 के करीब मरीज जाया करते थे, तो हमने ये किया कि टेली आउटडोर इस्टेब्लिश किया, जिसमें 10 स्पेशलिस्ट, जिसमें आप देख चुके होंगे और हमारे दोस्त आपको दिखाएंगे भी, जिसमें मेडिसिन है, सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक है, ईएनटी है, गायनी है, टेली सेक्रेटरी हमने इस्टेब्लिश किया ताकि स्ट्रेस में लोग ना आ सकें, और फिर वो मरीज़ जो घरों में बैठे हैं नहीं आ सकते, वो स्काइप के ज़रिए, व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए, लैंडलाइन के ज़रिए कंसल्टेशन कर सकते हैं और कर रहे हैं। फिर गवर्नर पंजाब साहब ने हमें कहा कि नहीं, जो कोरोना है इसका जो हेल्प डेस्क है इसको 24/7 करें। सो कोरोना हेल्प डेस्क के 6 डेस्क सेपरेट बना दिए गए, गवर्नर साहब की अपनी एक लाइन थी, उस लाइन के आगे 10 सेट थे, वो लाइन पे कॉल आने के बाद सेट की तरफ वो कॉल ट्रांसफ़र होती है और हमारे डॉक्टर 24/7 जो हैं वो लोगों की जो हेल्प करते हैं और उनके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी मैं वाइस चांसलर ऑफिस में बैठ के जो जहाँ ऑफिस वर्क के दौरान आई यूज़ टू मॉनिटर ऑल दिस थिंग, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट है जिसको मैं इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। यू स्टार्ट फ्रॉम द मेडिकल डिपार्टमेंट, आगे तमाम डिपार्टमेंट हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे सारे डॉक्टर्स इस वक्त ऑर्थोपेडिक वाला है, पल्मोनोलॉजी वाला है, कार्डियोलॉजी वाला है, दे ऑल आर रिस्पॉन्डिंग टू द वेरियस टेलीफोन कॉल्स। कुछ लोग मैसेजेस पे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, वो मैसेज पे उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कुछ अपनी इन्वेस्टिगेशन भेज रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन देख के उनको नुस्खे कुछ फॉर्म में वापस भेज रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लॉकडाउन में दिस इज़ अ यूनिक फैसिलिटी फॉर द पब्लिक, और आपके जो चैनल है इसके रेफरेंस से मैं पब्लिक को ये बताना भी चाहता हूँ, हमारी फेसबुक से आपको नंबर ले लें एंड प्लीज़ यूटिलाइज दिस फैसिलिटी। आप घरों में बैठे हुए स्पेशलिस्ट डॉक्टर की फ्री कंसल्टेशन अवेल कर सकते हैं एंड दिस इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये तो हमारा टेली मेडिसिन और टेली आउटडोर डिपार्टमेंट चल रहा है। अब दूसरी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे कि जो हमारा कोरोना का स्पेशल ये कोरोना हेल्प डेस्क है वो पीछे लगा हुआ है। कोरोना हेल्प डेस्क पे हमारी ये बच्चियाँ यहाँ मौजूद हैं और ये जो टेलीफोन इनके पास इस वक्त है, ये वो टेलीफोन है जो गवर्नर साहब ने 10 एंड्रॉयड सेट दिए। अब जब कॉल इन पर ट्रांसफ़र हो रही है तो वो मैसेजेस के ज़रिए जवाब भी दे रहे हैं, स्काइप को भी सर यूज़ कर रहे हैं, स्काइप को भी यूज़ कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को वो यूज़ कर रहे हैं। सो इस अंदाज़ में टेली आउटडोर और कोरोना हेल्प डेस्क 24/7 काम कर रहा है और इसको हम रिसर्च के लिए यूज़ कर रहे हैं। अभी आपको मैं रिसर्च की तरफ लेके जा रहा हूँ। श्योर सर, दिखाएं। देखें कि एक रियल टाइम, दिस इज़ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। आप देखें कि 2518 लोग इस वक्त तक कंसल्ट कर चुके हैं, यानी एक हफ्ते में। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने अपनी बीमारी के बारे में बताया गया, उनको प्रेस्क्रिप्शन दी गई, और लॉन्ग टर्म में हमारा ये भी है कि जिन हम मरीज़ों को प्रेस्क्रिप्शन दे रहे हैं, हम एक फार्मेसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें और उनको कहें कि भाई ये प्रेस्क्रिप्शन उस फार्मेसी पे लेके जाएं, आपको फ्री मेडिसिन मिल जाएगी। हाँ, फ्री मेडिसिन। जो आपने फिगर बताया, ये फिगर हमारे पास कोरोना के पेशेंट का भी है और टेली मेडिसिन की जो ओपीडी चल रही है उसका भी है। इनके ना डिटेल्स में जा रहा हूँ, आप नीचे की तरफ आएँ, आगे नीचे चले जी। अच्छा, इसमें अब इस फिगर में एग्जैक्ट
दिस इज़ द कॉन्फिडेंशियल फिगर और इसके सब जो पासवर्ड है मेरे पास है, मरीज जिन जो कॉल कर रहे हैं उनके नाम आ रहे हैं और नाम के साथ फिर आगे ये रुक जाए यहाँ पे, ये हम स्टेटिस्टिक कैलकुलेट कर रहे हैं साथ साथ कि ये 2453 जो रिस्पॉन्सेज आए हैं इनमें किस उम्र के लोग थे जो कॉल कर रहे हैं एज ब्रैकेट के साथ, इसमें 24% आ रहे हैं 30 ईयर्स तक के, 19% आ रहे हैं 40 ईयर्स तक के, फिर आगे यानी जैसे जैसे उम्र आगे जा रही है लोग कॉल करने वाले कम हैं। इसमें ये भी हो सकता है कि यंगस्टर के पास फ़ोन पास होता है और हो सकता है कि वो कंसल्ट अपने पेरेंट्स के लिए कर रही हूँ लेकिन कॉल करने वाला जो है वो नौजवान हो। इसी तरीके से आप ये दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फिगर के कॉल करने वाले मेल ज़्यादा हैं, हालांकि हमारी एजुकेशन पॉपुलेशन बराबर बराबर की 64 मेल हैं 36 फीमेल हैं। इसकी वजह यह है कि लॉकडाउन में मेल घरों में बैठे हुए एंड नेचुरली जब कॉल करनी होती है तो मेल को प्रायोरिटी मिलती है कि वो कॉल कंफर्टेबल इन कॉलिंग। और इसके बाद अब ये तमाम रीजन्स हैं, किस किस रीजन्स की कॉल आ रही है और रीजन्स में मैं आपको बताऊं कि हमारी कॉल जो आ रही हैं वो सऊदी अरब से, जर्मनी से, चाइना से, इन इलाकों से आ रही हैं। ये इम्पॉर्टेंट एक स्टडी है, नीचे लेके आए ज़रा इसको तारिक शुरू में, ये दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टडी कि जो लोग कॉल कर रहे हैं अब 2000 से ज़्यादा लोग हैं, इनकी अलामत क्या हैं। अब अलामत में जो कोरोना में इसमें फ्लू की पहले नंबर पर, फीवर दूसरे नंबर पर आ रही है, लेकिन याद रखिएगा गैस्ट्रो एंट्राइटस, सेकेट्रिक इलनेस, डायरिया, ये वो चीज़ें हैं जो कोरोना के पेशेंट में भी हो सकती है, बाकियों में भी हो सकती है। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हैं। अदर कंप्लेंट मैक्सिमम वो है अदर्स, इसमें इससे मुराद हुआ है जो टेली आउटडोर के पेशेंट है वो ज़्यादा कर रहे हैं। आगे चलते जाएँ नीचे ज़रा, अब आगे फिर आप आएँ, ये वो सारी उनकी डिटेल्स जो डॉक्टर्स हैं जो एलोकेट हैं। फिर हमारे अपने डिपार्टमेंट, देखिए मुझे ये मैं एक लिहाज से अपने डिपार्टमेंट को मॉनिटर कर रहा हूँ कि मेरा कौन सा डिपार्टमेंट एक्टिव है, तो जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो टॉप पे जा रहे हैं। इसलिए कोरोना के एंड पे अगर मुझे किसी को अप्रिशिएट करना है, किसी को इनाम देना है, तो मेरे पास ये स्टैटिस्टिक होगा कि यस कौन कौन से लोग किस किस अंदाज में इन लोगों को सेटिस्फाई करते रहे। फिर जब नीचे आए तो इसमें अब शिफ्टों यानी मॉर्निंग शिफ्ट में मैक्सिमम इसमें कॉल्स आ रही हैं, इवनिंग है और नाइट पे, चूंकि सिर्फ कोरोना है तो उसमें सर वैसे भी 8 to 8 मेरे ख्याल से आपकी ओपीडी चल रही है और जो कोरोना है वो 24/7, इसलिए ये 8 to 8 में ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं। इसी तरीके से आप ये देख रहे हैं कि मेडिकल के बाद जो कोरोना काउंटर्स हैं 1, 2, 3, 4 इन पे मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस वक्त कॉल कर रहे हैं, दे आर अवेलिंग दिस फैसिलिटीज। इसके बाद ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड और इसको आप ज़रूर दिखाइएगा। इस फैसिलिटी से मैंने एक परफार्मा जनरेट किया है, हाउ मेनी पीपल दे आर सेटिस्फाइड एंड दिस इज़ द सेटिस्फाइड रेट, 98% पीपल दे आर सेटिस्फाइड। आई थिंक वी मस्ट हैट ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट, द गवर्नर पंजाब जिनका ये इनिशिएटिव था। 98% लोग अपने एतमाद का इजहार कर रहे हैं और 2% वो लोग हैं जो ये कहते हैं वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन एंड नॉट अ सिंगल पर्सन हु इज अनसेटिस्फाइड। एग्जैक्टली सर, जितने लोग कॉल करें उतने सेटिस्फाइड हैं। सर मैं आपसे ये पूछूंगा कि वन डे और अनदर डे इंशाल्लाह कोरोना की वबा ख़त्म होगी। सर ये जो आपने ओपीडी को टेली मेडिसिन पे शिफ्ट किया है, सर क्या कोरोना ख़त्म होने के बाद आप जो पंजाब की ओपीडीज हैं उन पे जो प्रेशर है वो कम करके टेली मेडिसिन को आगे फर्दर इन्हेंस करेंगे, इसको लेके चलेंगे? देखिए मैं आपको बताऊँ कि गवर्नर साहब ने जब मीटिंग की ना तो ये नहीं था कि आप टेली मेडिसिन सिर्फ आप 2-4 हफ्तों के लिए कायम करें। उन्होंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, इस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ टेली मेडिसिन। इंशाल्लाह हम अपनी सिंडिकेट में टेली मेडिसिन का डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करेंगे, वहाँ हम टेक्निकल 20 ग्रेड की हम चेयर लेके आएंगे और फिर टेली मेडिसिन से वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मास्टर्स कोर्स एंड सर्टिफिकेशन कोर्स, ताकि इन लोगों को इनमें सर्टिफाई कराएं और इस डिपार्टमेंट को परमानेंटली हम यूज़ करें फॉर द ट्रेनिंग ऑफ आर सर्जन, आवर कोलीग्स सिटिंग एट द डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील हेडक्वार्टर, और फिर आगे इसको लेके जाएं, हम सिमुलेशन की तरफ लेके जाएं, हम रोबोटिक सर्जरी की तरफ लेके जाएं। इंशाल्लाह दुनिया को हम मैच करेंगे इस आगाज़ के साथ। बिल्कुल सर, इसके आने से हमारे ओपीडी पे भी प्रेशर कम होगा। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। अब हम चलेंगे टेली मेडिसिन के डिफरेंट कंसोल्स जो बने हुए हैं, जहाँ पे डिफरेंट हमारे फिजिशियंस, हमारे बहुत ज़्यादा सीनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं जो लोगों की क्यूरीज को डील कर रहे हैं। चेयरपर्सन मेडिसिन हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर बिल्किस साहिबा, उनसे पूछते हैं कि क्या कोरोना वायरस के अलावा जो हमारे पास डिजीज़ हैं उनके लिए टेली मेडिसिन कितना इफेक्टिव है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, बहुत शुक्रिया आप सबसे पहले अपने टाइम दिए। मैडम मुझे बताइएगा, कोरोना वायरस जारी बात है आप प्राइमरीली से देख रहे हैं, सेकेंडली पूरे पंजाब में या लाहौर में म्यू हॉस्पिटल को ही अगर लें तो ओपीडी में काफ़ी रश होता था, तो जो दूसरे आपके पास मर्ज़ हैं
जिसमें साइकाट्री देख लें, ENT देख लें, अब उनको किस तरह डील करें टेली मेडिसिन से, इस बारे में हमारे गाइड कीजिए। इसमें कोई जरूरी नहीं कि जो मेडिसिन में पेशेंट आए उसी को ही कोरोना हो, कोरोना तो किसी को भी हो सकता है। और आपको पता है, आप अगर पहले कभी भी किसी भी सरकारी अस्पताल में जाएं तो गंदे से गंदा टकराव होता है, इतना ज़्यादा रश होता है। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था बाय द गवर्नर ऑफ पंजाब और मैडम मिनिस्टर का, कि उन्होंने टेली मेडिसिन का ये कॉन्सेप्ट शुरू किया। और इट स्टार्टेड बेसिकली विद कोरोना, कि कोरोना के जितने भी पेशेंट्स या जिनको सस्पिशन है कि उनको को कोरोना हो रहा है, वो टेली मेडिसिन पे मशवरा लें और उनको फिर डॉक्टर्स एडिक्वेटली एडवाइस कर दें। लेकिन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इससे स्टेप एक और बियॉन्ड लिया, जो और किसी और सेंटर ने नहीं लिया। ये वाहिद अदार है जहाँ टेली OPD का कॉन्सेप्ट शुरू किया। अब आप देखेंगे जिस कमरे में हम खड़े हैं वहाँ से अगर हम शुरू करें तो मेडिसिन का भी एक काउंटर है, सर्जरी का भी काउंटर है, गायनी का भी काउंटर है, ऑर्थोपेडिक्स का भी काउंटर है, पल्मोनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, इन सारे काउंटर्स के अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट काउंटर, बल्कि दो काउंटर्स हैं टेली साइकियाट्री। ये सारे जो हैं काउंटर्स, ये बेसिकली डील कर रहे हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव जो प्रॉब्लम्स आती हैं इनसे रिलेटेड। जी आगे बढ़ते चले तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रो वाइस चांसलर KE प्रोफेसर एजाज हुसैन, जो अब हम उनसे पूछते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन और वर्चुअल एग्जामिनेशन, दैट्स अ बिग डिफरेंस। क्या आप उसका, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर हैं या इट्स सेल्फ यू, आप किस तरह उसे एग्जामिन करते हैं, किस तरह डिटरमिन करते हैं कि फिजिकल ये चीज़ है और उसका विजुअल ये है, सर उसमें आप क्या डिफरेंशिएट है? वो दोनों चीज़ें हैं जी, कि चूँकि लाइव से ये फ़ायदा होता है कि आप उससे पूछ सकते हैं जी कि आपको क्या कुछ सिम्टम्स क्या हैं, ख़ारिश है, दर्द है या कोई मसला है, और फिर हम बता सकते हैं कि इसको जी इस एंगल से दिखाएं, ऐसे दिखाएं, ऐसे दिखाएं। नो डाउट कि जो बंदा, जो डायरेक्ट पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशन है, आमने सामने फिजिकल इंटरेक्शन है, उसका तो ये नेम और बदल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इससे काफ़ी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। और मौजूदा हालात में जब लोग निकल नहीं सकते, हमारा लॉकडाउन है, ट्रैफिक के मसाइल हैं, और हम वो बाज़ दफ़े जो ओल्ड एज पीपल हैं वो ट्रैवल उनको नहीं करना चाहिए कि वो उनमें ज़्यादा खतरा आते हैं कोरोना के, तो उनमें बहुत मदद मिल सकती है। सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन ये देखिएगा, एक कॉल हमारे पास आ चुकी है टेली मेडिसिन की, डॉक्टर साहब हमारे डील करें, देखते हैं वो किस तरह बात करते हैं। जी जी बताएं जी, क्या मसला है आपको? सर मेरे ना कमर में कल से दर्द है। कब से दर्द है जी आपको कमर में? कल से दर्द है। कल से दर्द है, ठीक है। आपने इस दौरान कोई वजन तो नहीं उठाया कल या परसों? वजन नहीं उठाया, बस वो थोड़ा ना ड्राइव मुझे करनी पड़ी है लंबी, तो उस वजह से बैठ बैठ के शायद हो गई है। ठीक है, एक मुझे ये बताएं आपकी उम्र कितनी है? मेरी 35। ठीक है, लंबी ड्राइव की वजह से ना पट्ठों का खिंचाव हो जाता है, मैं आपको उसकी मेडिसिन देता हूँ, ठीक है? वो मेडिसिन आपने 3 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, 3 दिन इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, ठीक है? अब तो सर झुकना मुश्किल हो रहा है। जी जी, वो पट्ठों के खिंचाव की वजह से आपकी कमर ज़्यादा सीधी हो गई है, ठीक है? जब आप ज़्यादा देर बैठे हैं ना उसकी वजह से पट्ठों का खिंचाव हो गया। जी नाज़रीन आपने देखा कि ना सिर्फ कोरोना बल्कि लोगों को फिजियो के जो इश्यूज हैं, जिस तरह एक हमारे पास कॉलर थे कि उनकी बैकबोन में पेन है, उसको भी बड़े अच्छे तरीके से हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे जो टेली मेडिसिन में मौजूद हैं, ना सिर्फ कोरोना बल्कि हमारे जो आम दूसरे वबाई अमराज हैं, दूसरे जो भी नॉर्मल रूटीन में हमें इशूज़ होते हैं उनको भी डील करें। ये बड़ा एक अफेक्टिव वे से, एक बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का, कि लोगों के इशूज़ ओवर द फोन कॉल डिजिटल मीन्स पे एड्रेस हो रहे हैं। जी अब चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं रजिस्ट्रार किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर असगर नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर काइंडली मुझे बताइएगा कि अभी तो रमज़ान नहीं शुरू हुआ, रमज़ान से पहले बड़ा आपके डॉक्टर्स बड़ी एक रूटीन में काम कर रहे हैं, 8 AM to 8 PM और कोरोना को 24 hours डील किया जा रहा है, सर रमज़ान में आप लोगों की क्या प्लान है, किस तरह इस चीज़ को, इसका मैकेनिज़म आपने क्या सेट किया? लेकिन जिस तरह ये अभी हम जो अपना टेली मेडिसिन का आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सुबह 8 से शाम 8 बजे तक चला रहे हैं, उसके अलावा हम कोरोना के 5 डेस्क चला रहे हैं वो 24/7 है, तो रमज़ान में भी इसी तरह ये ड्यूटियां कायम रहेंगी। और जब सहर और अफ्तार का टाइम होगा उस टाइम पे जो लोग सहर कर रहे होंगे या अफ्तारी कर रहे होंगे तो बाकी लोग उनको कवर करेंगे, तो उसमें कोई तातुल नहीं आएगा, उसमें हमारा इंशाल्लाह इरादा ऐसे ही सर्विस को जारी रखने का जैसे इस वक्त है।
जी बहुत शुक्रिया। मैं पूछता जी नाज़रीन, अभी हम पूछेंगे सीईओ असद साहब से, असद खान प्रोफेसर असद साहब से कि सर डेली बेसिस पे सर हमारे पास कितनी कॉल जाती हैं, आप कितने पेशेंट्स को एड्रेस करें, कितने लोगों के इश्यूज़ टेली मेडिसिन से एड्रेस किए जा रहे हैं? देखें, लोगों ने इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाया और हमें इतनी ज़्यादा कॉल आनी शुरू हुई कि हमें यहाँ पर 114 टेस्ट इस कमरे में मौजूद हैं। हमें ये एक्सटेंड करना पड़ा, हमें एक दूसरा कमरा खुलवाना पड़ा, तो देखें यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा टेबल लगाने पड़े ताकि लोगों को हम अकोमोडेट कर सकें। तो तकरीबन रोज़ाना हर स्पेशलिटी का, ऑर्थोपेडिक का, मेडिसिन का, सर्जरी का, ENT का, आई का, तो हर डेस्क पर तकरीबन रोज़ाना के 30-35 कॉल पर डेस्क आती हैं। लोगों को अवेयरनेस हो रही है, आप पे वर्क लोड भी बढ़ता जा रहा है, राउंड द क्लॉक है, ये 24 घंटे चलता है, ये नहीं कि रात को 8 बजे बंद कीजिए, 24 घंटे चलता है। रात के किसी पैर भी आप फ़ोन करके यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और एडवाइस ले सकते हैं। अच्छा सर, कोरोना की जो डेस्क है, कोरोना की जो कॉल्स लैंड हो रही हैं, उसका कुछ स्पेसिफिक डेस्क है या हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉल हर एक डॉक्टर को हो जाती है? देखिए, जो मेडिसिन का जो काउंटर है ना, वो बेसिकली और ENT का काउंटर, वो डील करते हैं ऐसे पेशेंट्स को जो खांसी ज़ुकाम बुखार में, फिर हम उनको वो असेस करते हैं कि देखें हर पेशेंट खांसी ज़ुकाम गला ख़राब और बुखार कोरोना नहीं होता। ठीक है, अब मेयो हॉस्पिटल में तकरीबन 500 मरीज दाखिल हुए जिसमें से 179 पेशेंट का पहले दिन ही नेगेटिव आ गया, यानी कि वो कोरोना नहीं थे लेकिन हमने सिर्फ कोरोना के शक में उनको दाखिल, वो बस फियर भी था, वो पेशेंट इस जेन के साथ घर से आए कि हमें कोरोना है, तो हमने फिर भी उनकी तसल्ली के लिए दाखिल कर लिया, लेकिन बजाय टेस्ट कराया तो 179 में नेगेटिव आया, तो बाकी पॉजिटिव थे। जी नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि यहाँ पे टेली मेडिसिन में ना सिर्फ जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो जिसे सस्पेक्टेड कह रहे हैं या कन्फर्म्ड जो हमारे पास कॉल्स आती हैं, उनको ना सिर्फ एड्रेस करते हैं, मेडिसिन बताते हैं, बल्कि एक हमारे पास एक ऐसा काउंटर भी डॉक्टर साहब हमारे पास मौजूद हैं जो पब्लिक अवेयरनेस और जिस तरह की जो प्रिकॉशन मेजर्स इन पब्लिक वाइल डीलिंग विद द पीपल, जब सोशली लोगों से इंटरेक्ट करना है, उसको किस तरह डील करें, वो कौन सी उनको एडवाइसेस करें, उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इस काउंटर के ऊपर हम ख़ास तौर पे प्रिवेंशन का बताते हैं कि आप अपने आप को, अपने घर वालों को और माशरे को किस तरह कोरोना से बचा सकते हैं। उसमें से सबसे बड़ी जो हमारे पास मैयर है वो सोशल डिस्टेंसिंग है कि अगर आप गैर ज़रूरी तौर पर घर से ना निकलें, अपने घर के अंदर रहें, और अगर आपने निकलना है बाहर किसी इंतहाई ज़रूरी काम के लिए तो फिर लोगों से 6 फुट का फासला कम अज़ कम रखें, बार बार अपने हाथ धोएं और बाहर निकलते हुए अपने हाथों को अपने चेहरे की तरफ ना लेकर जाएं। मैम कंडली, ये बताइएगा कि आपके पास जितनी कॉल आती हैं उसमें से कुछ लोग जिनको शुबा होता है, फियर होता है, कुछ क्या कोई सस्पेक्टेड ऐसी कॉल जो कन्फर्म्ड हो ओवर द सिम्टम्स, जो आप उनसे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन पूछती हैं, अगर वो कन्फर्म हो जाए तो उसके बाद का क्या मैकेनिज्म होता है? उसके बाद जो हमारा ये वाला डेस्क है, ये बेसिकली प्रिवेंशन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो कोरोना से रिलेटेड है इन्फॉर्मेशन इसमें दी जा रही है। लेकिन अगर हम उसमें प्रॉपर जो हमें दिए हुए क्वेश्चन उसके मुताबिक हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, अगर कोई उसमें कोई ऐसा लगता है कि हमें उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कोरोना से रिलेटेड, तो फिर उसमें हम उनको फर्दर जो हमारा मेडिसिन से या पल्मोनोलॉजी से रिलेटेड डेस्क है वहाँ पे भी रेफ़र कर देते हैं, और उसके अलावा इनको हम हेल्पलाइन और वो बताते हैं कि कहाँ पे उनकी जो है ना टेस्ट हो सकेंगे और उसको फर्दर उसके बाद उनको क्या करना है। लोग सेटिस्फाइड हैं, लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ से इस्तफादा हासिल कर रहे हैं क्योंकि कोरोना की वजह से लोग आ नहीं सकते हॉस्पिटल्स में, और पार्शली OPDs कुछ हॉस्पिटल्स की चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही एफिशिएंटली और इफेक्टिव वे से आप देख सकते हैं कि लोग अलाइनमेंट में बैठे हुए हैं, हमारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त वो काम कर रहे हैं। आइए किसी हम डॉक्टर से पूछते हैं कि वो किस तरह उनको कितनी आसानी है। वो हमारे पास नाज़रीन, हमारे पास साइकेट्री काउंटर है, हमारे पास एक डॉक्टर साहब बैठी हैं, डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, मुझे बताइएगा कि आपके पास जो टेली साइकाट्री की कॉल्स आती हैं, आप लोगों को क्या एडवाइस करती हैं, लोगों की क्या क्यूरीज ज़्यादा क्या होती हैं उनकी? जो हमारे पास कॉल्स आती हैं उसमें डिफरेंट तरह के पेशेंट्स होते हैं, कुछ तो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो हमारे पुराने फॉलोअप हैं और उनको वीकली बेसिस पे या 2 वीक्स और 3 वीक्स के बाद उनका आना ज़रूरी होता है, तो चूँकि वो आजकल आ नहीं सकते तो उनसे फिर हम इसी तरह से ना रब्ता करते हैं। कुछ के पास हमारे स्काइप के साथ रब्ता हो जाता है, कुछ के साथ व्हाट्सएप पे, और दूसरा कुछ आजकल अभी भी ये हम पूरा प्लान कर रहे हैं जिसमें सारे कोरोना वाले पेशेंट्स हैं उनसे रब्ता कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स जो यहाँ हॉस्पिटल में पहले एडमिट थे और अब वो जा चुके हैं नेगेटिव टेस्ट के साथ, और कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो अभी तक पॉजिटिव हैं एडमिट हैं, उनसे कंटिन्यूस उनसे कॉन्टैक्ट करके तो उनकी जो सारी क्यूरीज है ना उनको। लोगों को इस स्ट्रेस वाले माहौल में क्या मैसेज देंगी कि लोगों को क्या एडवाइस करेंगी?
इसमें बस यही है कि इसका हमें मुकाबला करना है और जो सारी प्रिकॉशंस है उस पर आप अमल करें और स्ट्रेस को जितना हो सकता है उसको कम से कम लें। बाकी हम उनके साथ हैं, कोई भी मुश्किल की घड़ी आई या हमें किसी भी जगह पर हमारी ज़रूरत है तो हम उनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। क्या मैसेज देंगे आवाम को जो लोग घरों में मौजूद हैं, क्योंकि आप लोगों से बेहतर सेवेरिटी ऑफ सिचुएशन या हालात की जो नज़ाकत है, जो इस बीमारी की वजह से क्या आउटकम्स हो सकते हैं आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता, अब क्या मैसेज देना चाहेंगे आम आवाम को जो लोग घरों में? ये देखें, हुकूमत ने अस्पतालों में बेड मुख्तसर कर दिए, दवाइयाँ दे दी, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दे दिया, डॉक्टर नए भर्ती कर दिए, नर्सिंग नए भर्ती कर दी। हुकूमत ने अपना काम करना था पूरी तरह एक स्ट्रेटजी के तहत कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, बॉर्डर क्लोज कर दिया, फ्लाइट सस्पेंड कर दी। अब आगे इस बीमारी को मज़ीद फैलने से रोकना शहरियों के हाथ में है, हमें एक ज़िम्मेदार शहरी के सबूत देना पड़ेगा कि हम ज़िम्मेदार शहरी हैं। हमें लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का मफहूम समझना पड़ेगा, ये हमारे अपने हाथ में है। अगर हमने इसको ऑब्ज़र्व ना किया तो आप अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, स्पेन, चाइना का साल अपने नज़रों के सामने रखें। खुदा ना खाता ये ना हो कि हम उस स्टेज पर पहुंच जाएं अपनी नेगलिजेंस की वजह से। तो लोगों से अपील है कि अपने आप को घरों तक महदूद रखें, एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें और ये जो मेल मिलाप को बिल्कुल कुछ दो महीने के लिए तर्क कर दें तो हम इस वबा पर काबू पा लेंगे इंशाल्लाह। जो किसी एक शख्स की जान बचाए उसे हीरो कहते हैं, कोई 10 या 100 लोगों की जान बचाए उसे डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर गुजारिश करें कि खुदारा अपने घरों में रहिए, कोरोना वायरस से खुद भी महफूज रहिए और इनको भी महफूज रखिए। इसी के साथ अपने मेज़बान उमर बख्त को इजाज़त दीजिए, अलविदा।